हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज़ अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। आज है 1 मार्च 2020। आज का करंट अफेयर विद स्टैटिक जी के हम डिस्कस करेंगे और वीकली एमसीक्यू जो रहेगा फरवरी का उसे भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? तो वो मनाया गया 28 फरवरी को 2020 को। इसके लिए थीम क्या रहा था? तो इसके लिए थीम रही थी विज्ञान में महिलाएं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने काचिंग के नाम से को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड प्रस्तुत करने के लिए इंडिगो एयरलाइंस के साथ हाथ मिलाया है? तो SDFC बैंक ने क्या किया है, क्रेडिट कार्ड प्रस्तुत करने के लिए इंडिगो एयरलाइंस के साथ हाथ मिलाया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्द ही पुडुचेरी के कराईकल और किस क्षेत्र में जाफना बंदरगाह के बीच एक नौका सेवा शुरू की जाएगी? तो श्रीलंका और जो जाफना बंदरगाह है उसके बीच जो होगा एक नौका सेवा शुरू कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 फरवरी 2020 को आयोजित किए गए 11वें राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन 2020 का आयोजन स्थल कहाँ था? तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। क्वेश्चन ऐसे बनेगा, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन 2020 कहाँ पर हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पहल कौन सी है जो उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान प्रौद्योगिकी अभियांत्रिकी और गणित विषय चुनने के लिए बढ़ावा देने के उद्देश्य से लड़कियों के लिए वातावरण तैयार करती है? तो ये है विज्ञान ज्योति। विज्ञान ज्योति नामक की एक पहल है जो उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान प्रौद्योगिकी अभियांत्रिकी और गणित विषय चुनने के लिए बढ़ावा देने के उद्देश्य से लड़कियों के लिए वातावरण तैयार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 मार्च से 22 मार्च तक होने वाले हैबिटेट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था नई दिल्ली में होएगा, ठीक है, क्योंकि अब 13 मार्च से 22 मार्च तक क्या होगा, हैबिटेट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन स्थल कहाँ होगा, तो ये नई दिल्ली में होगा। तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा, हैबिटेट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ये नई दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 दिवसीय अयोध्या पर्व यह कार्यक्रम 28 फरवरी से किस शहर में शुरू हुआ था? तो 28 फरवरी से ये नई दिल्ली में शुरू हुआ था। आप देख रहे हैं नई दिल्ली कितनी इंपॉर्टेंट है, नई दिल्ली से कितने क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन हो गया 11वें राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन 2020 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ, ठीक है। 13 से 22 मार्च तक हैबिटेट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ होगा? नई दिल्ली में होगा। 3 दिवसीय अयोध्या पर्व यह कार्यक्रम 28 फरवरी से एक शहर में हुआ था, वह कहाँ था? वह हुआ था दिल्ली में। ओके, दिल्ली के बारे में हमने कल भी बताया था, आज भी बताया था, दिल्ली की एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो दिल्ली में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो है अनिल बैजल जी, और आम आदमी पार्टी है वहाँ पर, 63 सीट से वो वहाँ विजेता हुई है, और वहाँ के जो CM है वो है अरविंद केजरीवाल जी, ठीक है। रायसीना हिल्स पर जो है दिल्ली अवस्थित है। दिल्ली का निर्माण किसने किया था? सर एडवर्ड लुटियंस ने किया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये, हमने अगर आपको देखना भी है ये पूरा क्वेश्चन कि कौन से शहर का निर्माण किसने किया, तो एक वीडियो हमने शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ था, तो आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। हम कोशिश करेंगे आई बटन पर उसको दे दें, ठीक है। और दिल्ली में जो आर्टिकल यूज होता है वो यूज होता है 239AA। दिल्ली के अंदर वाईफाई फ्री है, दिल्ली के अंदर पिंक बसेस चलती हैं जिसमें महिलाओं के लिए बिल्कुल फ्री है, और दिल्ली में छात्रों के लिए भी बहुत कुछ फ्री है, तो वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली हर चीज़ फ्री है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई होम इंडिया द्वारा स्थापित स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 के विजेता कौन है? या ये क्वेश्चन बन सकता है, स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन है? तो वो हैं जादव पेयांग, द फॉरेस्ट मैन इनकी कृति है, उसके लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 के विजेता कौन है? तो जादव पायेंग हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडसइंड बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने हैं सुमंत कठपालिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनलक्ष्मी बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुनील गुरबख्शानी को, और ये आपको पता होगा लास्ट 2 डेज पहले कल हमने रिवीजन भी किया था इसका, तो RBI ने इनको मंजूरी दे दी थी धनलक्ष्मी बैंक के MD & CEO बनाने के लिए, ठीक है। अब RBI की बात हुई तो RBI के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। RBI की फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को, और मुख्यालय मुंबई में मिल जाएगा 1 अप्रैल 1935 को, और मुख्यालय मुंबई में है, और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है शक्तिकांत दास जी, ये 23वें नंबर के हैं,
और अगर पूछे जाएंगे डेप्यूटी गवर्नर कितने होते हैं, तो चार होते हैं। उसमें से जो है चौथे नंबर के बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये नवनियुक्त हुए हैं। इनका नाम है माइकल डी पात्र, देव पात्र। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 फरवरी तक लक्सर त्यौहार किस राज्य में मनाया गया था? तो लक्सर जो त्यौहार मनाया गया था वो हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला और लाहौल घाटी में मनाया गया था। तो क्वेश्चन बनेगा लक्सर त्यौहार से, कि लक्सर त्यौहार या लुसार त्यौहार कहाँ मनाया गया? तो हिमाचल प्रदेश में मनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष कर दी जाएगी? तो पंजाब सरकार ने क्या किया है कि जो उनके गवर्नमेंट सर्वेंट है उनकी जो 60 ईयर एज होती है उसे घटाकर 58 वर्ष कर दिया गया है या कर दिया जाएगा। अब हरियाणा का बजट प्रस्तुत हुआ है, तो 2020 से 2021 में ये प्रस्तुत किया गया है। अब जैसे अभी उत्तर प्रदेश का बजट प्रस्तुत हुआ था, अगर आपको उत्तर प्रदेश के बजट से कुछ भी क्वेश्चंस देखने, जितने भी क्वेश्चन फॉर्म हो रहे थे, हमने 2 वीडियोस बनाए हुए हैं, समथिंग समथिंग 11 11 मिनट्स के हैं, वो आप वॉच कर लीजिएगा। आपका कोई भी यूपीएससी यूपीआरओ का कोई भी एग्ज़ाम होगा यूपी लेवल पर, यूपीएसआई हो यूपीपी हो, उनसे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। सारे डेटा उसमें दिए हुए हैं, क्वेश्चन फॉर्म में भी क्वेश्चन बनाए हुए हैं, तो उन्हें आप वॉच कर लीजिएगा, जिससे आपका काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, उन्हें भी आई बटन में लगाने की हम कोशिश करेंगे, जिससे आपको आसानी हो ढूंढने में। ठीक है, हरियाणा सरकार का बजट दिया गया है, तो कितना दिया गया है? तो 1,42,343 करोड़ रुपए का इनने बजट दिया है अब की बार। तो ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, पर हरियाणा की सरकार से, मतलब हरियाणा सरकार में जो भी अगर देने वाला है एग्ज़ाम, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार की स्मार्ट कार्ड योजना का नाम किस पूर्व उप मुख्यमंत्री के नाम रखा जाएगा? महाराष्ट्र सरकार की स्मार्ट कार्ड योजना एक चलाई गई है, एक क्वेश्चन तो यही बन गया कि स्मार्ट कार्ड योजना किनके किस सरकार के द्वारा चलाई गई है, तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। और इनने जो स्मार्ट कार्ड योजना है, इसका नाम किस पूर्व उप मुख्यमंत्री के नाम पर रखा जाएगा? तो स्वर्गीय आर.आर. पाटिल के नाम पर रखा जाएगा। महाराष्ट्र की बात हो रही थी, महाराष्ट्र की कैपिटल होती है मुंबई, तो ये तो सभी को पता है, वहाँ पर सीएम है उद्धव ठाकरे जी। और अगर पूछा जाए कि अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं, तो वो आपको मिलेंगी मुंबई के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला कृषि विज्ञान केंद्र किस वर्ष में पौंडीचेरी में स्थापित किया गया था? तो ये वर्ष 1974 में स्थापित किया गया था। ठीक है, पहला जो प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र था वो पौंडीचेरी में स्थापित किया गया था और 1974 में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो इसके बाद अब बात करेंगे, पंजाब की बात हुई थी, पंजाब का एक क्वेश्चन आया हुआ था, तो पंजाब की राजधानी तो सभी को पता है चंडीगढ़ होती है, पर उसकी गठन कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1966 को हुआ था गठन। ठीक है, अब हरियाणा की बात करेंगे, तो हरियाणा की राजधानी भी होती है चंडीगढ़, और हरियाणा की गठन अगर पूछा जाएगा तो आप बता देंगे तुरंत से, जो 1 नवंबर 1966 को जो है हरियाणा का गठन हुआ था। अब महाराष्ट्र की बात हुई, तो 1 मई 1960 को महाराष्ट्र का गठन हुआ, मुंबई वहाँ की कैपिटल है, हमने जैसा कि आपको बताया। तो 1 मई 1960 को एक और भी कई राज्य हैं जिनका गठन हुआ था, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। और महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी, तो वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि नवनियुक्त हैं। ठीक है, अब श्रीलंका की बात हुई थी, तो श्रीलंका की राजधानियाँ दो हैं, एक तो वैधायी राजधानी है जो एक लेजिस्लेटिव होती है, एक काउंसिलर होती है, तो एक जयवर्धने कोट्टे जो है विधायी है, और कोलंबो वाणिज्यिक जो है राजधानी है, मुद्रा वहाँ पर रुपया चलती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका रिवीजन क्वेश्चन आ जाते हैं, किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक ने इंडिया INX के वैश्विक डेब्ट लिस्टिंग प्लेटफॉर्म पर 850 करोड़ रुपए के 10 साल के लिए अपने मसाला बॉन्ड को सूचीबद्ध कर दिया है? तो एशियन विकास बैंक ने। तब ADB की बात हो रही है, तो ADB की बात हो रही है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी गठन हुई थी 1966 में। ठीक है, इसमें अगर सदस्य देश वर्तमान में पूछे जाएंगे तो वो हैं 68, और ये क्या करता है कि ये लोन प्रोवाइड करता है। इसने अभी चेन्नई में तमिलनाडु के साथ इन्होंने एक टाई अप किया था, जिसमें इन्होंने लोन दिया हुआ था, और पहले इसके जो अध्यक्ष थे वो थे ताके के नकाओ, और उन्होंने क्या किया, इस्तीफा दे दिया इस पद से। ठीक है,
तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अंतर्राष्ट्रीय विनिमय मंच कौन सा है जो गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गिफ्ट सिटी में स्थित है। अब गिफ्ट सिटी की बात हो रही तो आपको ये बताना है गुजरात में अहमदाबाद गिफ्ट सिटी है। ओके हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विनिमय मंच कौन सा है जो गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गिफ्ट सिटी में स्थित है, तो वो इंडिया आईनेक्स। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2019 के अनुसार 2019 में दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर कौन सा रहा है? ऑब्वियसली वो रही है राजधानी दिल्ली। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2019 के अनुसार 2019 में दुनिया के 30 सबसे प्रदूषित शहरों में से भारत में कितने शहर रहे हैं? तो भारत के शहर रहे हैं 30 में से 21, तो ये बहुत ही बुरा आंकड़ा रहा है। दुनिया में सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो वो है गाजियाबाद जो कि भारत का ही है। इसके बाद चीन में होटन, पाकिस्तान में गुजरनवाला और फैसलाबाद, और तो पाँचवें स्थान पर है दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्रदूषित 5 देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो पांचवा स्थान है भारत का। दुनिया के सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो वो है बांग्लादेश, बाद में पाकिस्तान, गंदा हुआ है बहुत, फिर मंगोलिया, फिर अफगानिस्तान, उसके बाद हमारा भारत। बांग्लादेश की कैपिटल होती है ढाका और वहाँ की करेंसी होती है टका। इस्लामाबाद होती है पाकिस्तान की कैपिटल और वहाँ की करेंसी होती है रुपया। मंगोलिया की जो कैपिटल होती है वो होती है उलान बटोर और वहाँ की करेंसी होती है यूरो। और अफगानिस्तान की कैपिटल होती है काबुल और करेंसी होती है अफगान अफगानी, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 फरवरी को किस शहर में भारतीय आदिम जाति सेवा संघ की अखिल भारतीय आदिवासी कार्यकर्ता बैठक हुई थी? तो वो हुई थी दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वकर्मा पुरस्कार 2019 के विजेताओं की संख्या कितनी है? तो वो है 23। ठीक है, छात्र विश्वकर्मा पुरस्कार, और ये 6 संस्थान उत्कृष्ट संस्थान विश्वकर्मा पुरस्कार है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन की चौथी वर्षगांठ समारोह के लिए विषय क्या रहा था? तो आत्मा गांव की और सुविधा शहर की। जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन की चौथी वर्षगांठ समारोह हुआ था तो उसमें विषय रहा था आत्मा गांव की सुविधा शहर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे तेज और विशेष लड़की जो सबसे छोटी भी है वह कौन है जिसने खुले पानी में कम समय लेकर 14 किलोमीटर तक 3 घंटे 27 मिनट 30 सेकेंड में तैर लिया है? तो वो है जिया राय। ठीक है, ये मुंबई की एक लड़की है और केवल 11 वर्ष की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा में एक विधेयक पारित किया जो पहले के एक फैसले को उलट देता है जिसके तहत लोग सीधे सीधे किस पद के लिए चुनाव करेंगे। तो हमारा सरकार आजकल बहुत ज़्यादा ही परिवर्तन कर रही है अपनी सरकार को डेवलपमेंट करने के लिए, तो मुझे लगता है कि काफ़ी ग्रो कर जाएगी इस तरह वर्क करेगी। तो मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से सपोर्ट नहीं है। ठीक है, तो ग्राम सरपंच और मुखिया के लिए क्या होगा कि जिसके तहत क्या होगा, सीधे सीधे चुनाव कर लिए जाएंगे। एकीकृत वाहन पंजीकरण कार्ड प्रस्तुत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो भारत का जो पहला राज्य है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भी जल महोत्सव भी मनाया गया था, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश की कैपिटल होती है भोपाल। भोपाल को झीलों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो नेशनल पार्क्स हैं वो सबसे ज़्यादा हैं इंडिया के अंदर, कान्हा, पेंच, फॉसिल, वन विहार, सतपुड़ा वन विहार, तो ये सारे जो, और पेंच जो है इससे क्वेश्चन बन जाता है, ये 90% तो मध्य प्रदेश में है, उसका 10% जो है वो महाराष्ट्र में मिलता है जाके, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ओके, महाराष्ट्र के जो CM है उनका नाम है कमलनाथ जी, और अगर पूछे लिए जाए राज्यपाल तो वो हैं लालजी टंडन, तो लाल कमल के नाम से आपको याद रखना है ट्रिक के तौर पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के नए सभापति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश के सभापति के रूप में विपिन परमार को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 फरवरी को उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने बीमा से संबंधित किन घटकों में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने से सरकार के फैसले को अधिसूचित कर दिया है? तो बीमा मध्यस्थ, दलाल, पुनर्बीमा दलाल, सलाहकार, कॉरपोरेट एजेंट, तृतीय प्रशासक, सर्वेक्षणकर्ता और घाटा मूल्यांकनकर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिटेल 4.0 विनिंग द 20 ईयर्स शीर्षक वाले प्रतिवेदन के अनुसार भारतीय खुदरा बाजार का अनुमान है कि किस वर्ष तक $1,00,000 करोड़ पार कर जाएगा?
तो ये अनुमान है कि 2025 तक 1 लाख करोड़ डॉलर तक ये पार कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 फरवरी को सेबी ने निवेशकों को म्यूचुअल फंड एंड यूनिट्स को सीधे किन कंपनियों से खरीदने के लिए स्टॉक एक्सचेंजों के बुनियादी ढांचे का उपयोग करने की अनुमति दी है? तो म्यूचुअल फंड एंड एसेट मैनेजमेंट में क्या किया है कि स्टॉक एक्सचेंजों के बुनियादी ढांचे को उपयोग करने की अनुमति दी थी। अब सेबी की बात हो रही थी, सेबी से क्वेश्चन बन जाता है। यूपी 2018 और 19 दोनों में क्वेश्चन आया हुआ था सेबी से। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म हो जाती है, भारतीय विनिमय प्रतिभूति बोर्ड ऐसा करके हिंदी होती है इसकी, और अजय त्यागी इसके अध्यक्ष हैं। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, मुख्यालय इसका मुंबई में मिलेगा। ओके, ये तीनों बातें आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के नोट कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 फरवरी को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने पर्याय के साथ राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा अभियान को मंजूरी दी है, जिसे 2021 में 2023 से 2024 तक लागू किया जाएगा? तो 1480 करोड़ रुपए। ठीक है, अगर आपको स्पीड कम लगती है मे बी, तो आप 2x स्पीड कर लीजिए, 1x कर लीजिए, 1.25 कर लीजिए, जिससे आप जल्दी जल्दी देख सकते हैं। अगर आप में कैपेबिलिटी है जल्दी देखने की तो आप वैसे देख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासक के लिए उच्च शिक्षा नेतृत्व विकास कार्यक्रम, हाँ इसमें 1480 करोड़ रुपए दिए गए हैं। क्यों दिए गए हैं? कि एक राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कपड़ा अभियान जो है, जो बनाया गया, एक इनिशिएटिव चलाया गया, जिसमें क्या होगा, एक 1480 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसका टेनर जो रहेगा 2020 से 2024 तक रहेगा। ओके, प्रशासक के लिए उच्च शिक्षा नेतृत्व विकास कार्यक्रम यह किस भारतीय संस्थान और ब्रिटिश काउंसिल की संयुक्त पहल होगी? तो ये UGC की होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन के हाइड्रोलॉजिकल पहलुओं पर केंद्रित जल परिषद 2020 कहाँ आयोजित की गई है? तो ये IIT रुड़की में आयोजित की गई है। ठीक है, जलवायु में टॉप पर जो रहा था वो रहा था गुजरात, तो ये आपको याद रखना है। ICICICI बैंक है एक, सभी लोगों ने सुनी होगी, फाउंडेशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। इस संस्थान ने क्या किया है कि किसानों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए किसी अनुसंधान निकाय के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। तो ICAR के साथ इन्होंने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। क्यों किए हैं? तो ये किए हैं, जो किसान होते हैं उनकी क्षमता के निर्माण के लिए, अनुसंधान निकाय के लिए। ठीक है, तो अब आपके लिए होमवर्क ये हो जाता है, क्योंकि हम ये लास्ट वीडियोस में पढ़ा चुके हैं, ये एक रिवीजन क्लास है। तो ICICI की फुल फॉर्म और ICAR की फुल फॉर्म, और इनके बारे में डिटेल में आंसर करने की आप प्रयास करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस 2020 के लिए भारतीय वाणिज्यिक मंडल एवं उद्योग महासंघ के नव नियुक्त सह अध्यक्ष कौन है या कौन बने हैं? तो वो बने हैं फिक्की के GSK वैल्यू। अब फिक्की के बारे में आपको हमने कई बार बताया है, शुरुआत से जब से हम इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं तब से कम हमने 100 बार बता दिया होगा। कभी ना कभी फिक्की आता ही रहता है, बहुत न्यूज़ में रहता है, तो इसके बारे में आप आज आंसर करेंगे। ये आपका होमवर्क है, 3 होमवर्क हो गए, ICAR, ICICI बैंक, फिक्की के बारे में आप लिखेंगे। ओके, जो भी आंसर करेगा उसको पिन कर देंगे हम। ठीक है, ओडिशा के पहले खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों में 14 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर कौन सा विश्वविद्यालय रहा है? तो सावित्री बाई फूले पुणे विश्वविद्यालय, जिसने 7 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। किन शहरों में 25 फरवरी को खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का उद्घाटन किया गया है? तो लेह लद्दाख जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, और खेलो इंडिया अगर पूछे जाएंगे तो असम के गुवाहाटी में 4th एडिशन हुआ था वहाँ पर, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूनिवर्सिटी गेम जो विश्वविद्यालय खेलो इंडिया गेम होते हैं, वो ओडिशा में हुए, जिसमें सावित्री बाई फुले पुणे विश्वविद्यालय टॉप पर रहा, जिसने 7 स्वर्ण पदक जीते। अगर शीतकालीन खेलो इंडिया पूछे जाएंगे तो लेह में हुए, लद्दाख में हुए और जम्मू कश्मीर में हुए। लेह की बात हो रही है और लद्दाख की बात हो रही है, जम्मू कश्मीर की बात हो रही थी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बना दिया गया केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, और इसमें अगर पूछे जाए लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो वो हैं RK माथुर जी, और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर पूछे जाएंगे तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। ओके, लद्दाख के 2 कैपिटल्स हैं, एक तो लेह है और कारगिल है, और इसमें मे बी 22 कैपिटल नहीं, डिस्ट्रिक्ट है, जिले, वो माइंड से स्लिप हो गया तो हमने बोल दिया। ठीक है, जम्मू कश्मीर कश्मीर में मे बी 22 जिले हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखनी है, वेरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग, बुलर झील, डल झील, ये सब आपको जम्मू कश्मीर के अंदर मिलेंगी। ठीक है, दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान,
और भी हैं, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको जम्मू कश्मीर के अंदर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, और हाँ जम्मू कश्मीर से क्वेश्चन और बनता है, भांग से दवा निर्मित करने वाला ये पहला राज्य है, और इसने क्या किया है, कनाडा के साथ कोलैब भी किया है, ठीक है, या टाई अप किया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत विषय के तहत बसंतोत्सव सांस्कृतिक मेले का उद्घाटन किस शहर में 25 फरवरी को किया गया था, तो गांधीनगर गुजरात में। तो गुजरात की कैपिटल होती है गांधीनगर, और गांधीनगर से आपको याद रखना है, हम पौडे बताते हैं जब भी आता है गांधीनगर, हमारे गृह मंत्री का निर्वाचन क्षेत्र है गांधीनगर, गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी हैं, ये तो सभी को रट गया होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। अब गांधीनगर में गिर राष्ट्रीय उद्यान है, उससे क्वेश्चन ये बन जाता है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान में किस जीव का, किस प्राणी का संरक्षण किया जाता है, तो एशियाटिक लॉयन का, एशियाई शेर का उसमें संरक्षण किया जाता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने किस निकाय को बंद करने की घोषणा की है, तो महाराष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा मंडल को बंद करने की इन्होंने घोषणा कर दी है, ओके। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर स्टैटिक जीके, एंड क्वेश्चन तो नहीं दिया आज क्योंकि रिवाइज्ड क्वेश्चंस थे, तो उनके साथ ये पूरा अच्छा सा वीडियो था, हमने कोशिश की ओरली बहुत कुछ बताने की, तो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, और तैयारी करते रहिए, बढ़ते रहिए आगे, और जब तक आपको आपका मुकाम हासिल नहीं हो जाता, अपना ख्याल रखिए, अपने सपनों का ख्याल रखिए, अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, खुश रहिए, और आगे बढ़ते रहिए, निरंतर प्रयास करते रहिए, और मन में हमेशा जुनून रखिए, हासिल कर लेंगे मुकाम अपना, तभी चैन से बैठेंगे। तो आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब। हाँ एक बात और, आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, टिकटॉक और हेलो ऐप पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, आप ट्विटर शेयर चैट अगर यूज करते हैं वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको हमें खबरी चैनल पर सब्सक्राइब भी, वहाँ फॉलो भी करना है, और ऑडियो रिवीजन वहाँ से करना है, जिससे क्या होगा आपको 110% लर्न हो जाएगा, आप वीडियो भी देखेंगे, आप ऑडियो भी सुनेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, और आपका करंट अफेयर से 110% 200% कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, छोटा हो या बड़ा हो, एग्ज़ाम कोई भी हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, खबरी ऐप पर जाना है, फॉलो करना है, ऑडियो सुनना है, बस 2 से 4 मिनट का ऑडियो होता है, इतना टाइम तो आपको 24 आवर में मिल ही जाना है, जो आप वहाँ पर ऑडियो सुन लें और फॉलो कर लेना है, और आराम से वहाँ सुनते रहिए, रिवीजन करते रहिए, ओके। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे क्या होगा, और अगर आपको कहीं अकाउंट सर्च भी करना है तो तैयारी बिगनर्स की के नाम से हर जगह आपको हमारा अकाउंट प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वीडियो भी वॉच कर सकते हैं, और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।